अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जनकपुरी के पुल के नीचे से मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रजबपुर थाना पुलिस ने राजू नाम के चोर सहित तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के इस्तेमाल में लाई जाने वाली कार के साथ साथ सोलर पैनल, 8 बैटरी और बड़ी संख्या में चोरी का माल बरामद हुआ है। सीओ क्राइम अभिषेक यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से जो भी माल बरामद हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के द्वारा की जाएगी। पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके लिए हमारे थानों की टीम और हमारे जिले की और इसके अलावा एंटी थेफ्ट टीम लगातार क्षेत्र में दबिश दे रही थी, अपने प्रयास कर रही थी। इसी बीच हमें कल रात में मुखबिर से सूचना मिली कि साहब जनकपुरी पुल के नीचे कुछ चोर खड़े हैं जो चोरी के इरादे से रात में इधर उधर घूम रहे हैं, अगर इनको पकड़ा जाए तो चोरी का खुलासा और बहुत सारा माल बरामद हो सकता है। तो हमारी थाने की टीम ने जनकपुरी पुल के नीचे जब वहां पर अपना दबिश डाला तो वहां पर तीन अभियुक्तगण राजू, प्रदीप और ललित एक होंडा सिटी गाड़ी में और इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ मिले, जिनके पास से ये जो इनकी जो चोरी की गाड़ी थी होंडा सिटी ये भी और इलेक्ट्रिक स्कूटी ये भी चोरी की थी, साथ में 6 इन्वर्टर और 7 बैटरी मिले और इनके पास एक चोरी का आधार कार्ड और एक बैंक की पासबुक जो धनौरा से संबंधित थी चोरी की ये भी मिली और 6 सोलर पैनल और शटर काटने का और जो दुकान काटने का जो उपकरण होते हैं ये सारे उपकरण बरामद हुए। बाद में इनके द्वारा जब और कड़ाई से पूछताछ की गई इनसे तो एक कबाड़ी का भी उन्होंने नाम लिया जिसको ये अपना चोरी का माल बेचते थे और चोरी के इस कबाड़ी के पास से चोरी का एक बैटरा तुरंत मौके पर बरामद किया गया। इन लोगों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इनके खिलाफ लगभग दर्जन भर मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज पाए गए हैं, जिनमें गजरौला, रजबपुर, धनौरा, आसपास कई सारे थानों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही इनकी जब और तलाशी ली गई तो इनके पास से एक तमंचा और 2 चाकू भी बरामद हुए।